एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, वॉइस क्लियर है आप सभी को, फटाफट चेक कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 5 पे हैं, राइट। 4 लेक्चर हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस 3 टेस्ट हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को। ऑलराइट, ठीक है। जो भी क्लास आप लोग की मिस हो गई आप लोग वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक्मे एकेडमी आपके लिए एक कंप्लीट कंप्यूटर सीरीज लेके आया है जो कि 2.1 है, क्योंकि इसका एक वर्जन मतलब पूरा कंप्यूटर हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में था जो कि बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, ठीक है। काफी अच्छे व्यूज उस पर गए और बच्चों को बहुत हेल्प भी मिला निमसेट 2022 और 2023 के एग्जाम में। 2 साल तक वो बच्चों ने यूज किया। अभी 2024 और 25-26 के लिए मैंने इस बार का जो कंप्यूटर सीरीज लेके आया हूं, ये लाइव आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसकी क्लासेस एवरी सैटरडे संडे वीकेंड पे हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, इसमें जो टारगेट रहेगा वो निमसेट और सीयूटी दोनों एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम ही है 120 आउट ऑफ 120, क्योंकि आप जानते हो निमसेट में 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं बच्चों। तो आप लोगों को पूरे में पूरे नंबर दिलाना हमारा कह सकते हो प्रयास रहेगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो ये सिलेबस है हम लोगों का जो एक्मे में हम आपको पढ़ाएंगे। इस कंप्यूटर के सिलेबस से आप पूरा निमसेट का कंप्यूटर एज वेल एज सीयूईटी का कंप्यूटर कवर कर सकते हो। मॉड्यूल 1 लगभग में कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को पता होगा। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन एक बेस से अनदर बेस में, ऑपरेशंस भी सीख चुके हैं नंबर सिस्टम्स पे, हम लोग ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। स्पेशल कोड्स में हम लोग बीसीडी पढ़ चुके हैं, एक्सेस 3 पढ़ चुके हैं, ग्रे कोड भी सीख चुके हैं। लास्ट क्लास में ग्रे कोड सीखा था ना हम लोग शायद, है ना। और ASCII कोड आज हम लोगों को पढ़ना है बस, ठीक है। केवल एक कोड बचा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। उसके बाद मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड ये सारी चीजें करेंगे। मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5, 5 मॉड्यूल में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, राइट। ये सबके लिए फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। एक्मे के उन सारे कह सकते हो बच्चों के लिए जो एक्मे एकेडमी का फैमिली है यूट्यूब पे, ठीक है। इसकी 2 क्लासेस वीक में होती है, एवरी सैटरडे संडे, जो कि यूट्यूब चैनल पे होगी, ठीक है। रिकॉर्डेड रहेगी हर क्लास, आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आपने कोई मिस किया है तो आप पीछे जाके देख सकते हो। नोट्स और असाइनमेंट्स आपको एक्मे एकेडमी के ऐप में मिलेंगे, और एवरी वीक में एक टेस्ट होगा जो कि एवरी थर्सडे होता है, ठीक है। तो वो टेस्ट भी आपको एक्मे एकेडमी के ऐप में मिलेगा, साथ ही साथ उस टेस्ट का एनालिसिस भी अब आपको एक्मे एकेडमी के ऐप में मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि टेस्ट का जो एनालिसिस है वो भी एक्मे एकेडमी के ऐप में आपको कराया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है? CCS 2.0, तो बच्चों एक्मे एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करेंगे जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। आप मैसेज करेंगे एक्मे एकेडमी को, एडमी आफ्टर द प्रोफाइल कंप्लीटिंग, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। कोई भी इशू होता है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। फटाफट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट किया जाए, ठीक है। एक बार जितने लोग भी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, डालिए एडिंग ASCII कोड। मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल 1 का ये लास्ट टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए सबसे पहले, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, नोट कर लीजिए सभी लोग, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। It used 7-bit. अब इसमें लिखिएगा पॉइंट, ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया बच्चों। आगे लिखिए, इट यूज
7 बिट्स, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है वो 7 बिट्स यूज करता है। अगर 7 बिट यूज करता है तो आप सभी लोग जानते हो एक बिट पे हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, या तो जीरो को या फिर वन को, यानी कि एक बिट पर हम लोग दो तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इधर जीरो और वन। ऐसे अगर दूसरी बिट और ले लेंगे तो एक दो तरीके की और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब 4 डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। अगर 7 की बात करें तो 2 की पावर 7 डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं जो स्टोर की जा सकती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड आज की कोड में, राइट। तो इसको लिख सकते हो अगले, इट रिप्रेजेंट 2 की पावर 7 यानी कि 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कितने कैरेक्टर्स डिफरेंट मतलब आपका रिप्रेजेंट करती है, 2 की पावर 7 यानी कि 128 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करती है, ऑल राइट। यहां पर क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे लिख सकते हो उस लाइन में, एक लाइन और लिख सकते हैं बेटा, इट रिप्रेजेंट 95 प्रिंटेबल करेक्टर्स एंड 33 नॉन प्रिंटेबल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है कि भाई कितने प्रिंटेबल कैरेक्टर, मतलब जो प्रिंट हो जाते हैं। अच्छा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से होंगे? जैसे स्पेस इज अ नॉन प्रिंटेबल, भाई स्पेस को प्रिंट कर सकते हो तुम, तो ऐसे ही 33 ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्रिंट नहीं होते हैं, ठीक है, बट उनको भी ये स्टोर करता है। और 95 कौन से कैरेक्टर्स है जो प्रिंटेबल है। अब प्रिंटेबल कैरेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं बच्चों, आप जानते होंगे प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होगा? क्या वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? क्लियर। प्रिंटेबल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा? ए टू जेड, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 0 to 9, प्लस आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, हैज आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। ठीक है, यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट ASCII कैरेक्टर्स एंड देयर डेसिमल वैल्यू, कि डेसिमल में उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो ASCII करेक्टर हम लोग को सब देखेंगे, ठीक है, यहां तक नोट करिए फटाफट। अब कुछ हम लोग ASCII करेक्टर नोट करेंगे जो आपको याद रखना है आगे भी इन फ्यूचर, राइट। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या सुझा रहा है? वाइब्रेशन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, वॉइस में अगर कुछ दिक्कत है तो मैं चेक कर लेता हूं बेटा, मिनट है ना। अभी चेक करना एक बार ना, अभी चेक करें, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट ASCII करेक्टर्स बच्चों, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 0। यहां पे मैं ASCII करेक्टर लिख रहा हूं बच्चों, ये ASCII करेक्टर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ASCII में क्या लिखते हैं और यहां पे उसकी क्या लिख रहे हैं बच्चों हम लोग, डेसिमल वैल्यू, राइट, गॉट इट। तो सबसे पहला जो ASCII करेक्टर है वो लिख लीजिए बच्चों 0। तो 0 को क्या बोलते हैं, 48 डेसिमल वैल्यू होती है इसकी, राइट, मतलब इसको हम लोग 48 डेसिमल में बोलते हैं और 0 होता है ASCII करेक्टर। वन क्या हो जाएगा बच्चों, 49। ऐसे ही अगर मैं 9 तक जाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 57। एग्री,
.57। तो सबसे पहला सेट तो आप ये नोट कर लीजिए, 0 to 9 का, ठीक है, 0 to 9 का पहला सेट नोट कर लीजिए। अभी क्लियर वॉइस? देखो जरा क्या दिक्कत आ रहा है। मैं चेक कर ले रहा हूँ, रुकिए आप लोग नोट करिए इसको, है ना। हेलो, 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 इस माइक पे देखेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? चले दूसरा सेट नोट कर लीजिए बच्चों, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। कैपिटल ए को कितना बोलते हैं हम लोग? 65। कैपिटल बी को कितना बोलेंगे? 66। ऐसे ही जेड को क्या बोलेंगे? 90। गॉट इट? जेड को क्या बोलेंगे? 90। तो 65 से 90 तक ये दूसरा सेट नोट कर लीजिए। तीसरा सेट नोट करिए बच्चों, स्मॉल ए को बोलते हैं, स्मॉल ए का डेसिमल वैल्यू क्या होता है बच्चों? 97। स्मॉल बी का क्या हो जाएगा? 98। ऐसे ही स्मॉल जेड का क्या हो जाएगा? 25 ऐड करो, 122। क्लियर? अभी ठीक है बॉयज? चले नोट करें एक बार। क्या तो क्लियर सभी को? आगे देखेंगे, अब कुछ और एक्स्ट्रा देखेंगे बच्चों हम लोग। स्पेस को लिख लो 32। स्पेस का क्या होता है? 32। स्पेस का 32 याद रखिएगा, ठीक है? स्पेस का क्या होगा? 32। इक्वल टू का होगा 61। इक्वल टू का होगा 61। ग्रेटर देन का होगा 62। क्वेश्चन मार्क का है 63। प्लस का है 43। ये कुछ मैं वो लिख रहा हूं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट। नल, नल को अगर प्रिंट करना है तो इसका है 0। एट द रेट का है 64। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन मार्क के बाद भी लिख सकते हो ताकि आपको याद बना रहे। हैज का है 35 एंड लेस देन का है 60। लेस देन लिख देना 60। लेस देन का कितना है बच्चों? 60। लेस देन लिख लेना और यहां पे लिख देना 60। लेस देन का कितना है? 60। क्लियर है? तो ये आपको कुछ याद करने, कुछ स्पेशल ये याद रखने है, और 1, 2, 3 ये सेट याद रखना है। हालांकि वो सारे नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, बट जो पूछ सकता है वो मैंने आपको लिख दिए, ठीक है? ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, राइट? ये तो आपकी कैरेक्टर हो गया भाई, ये इसकी डेसिमल वैल्यूज है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी मुझे ध्यान देख रही है ना भाई, क्योंकि कितना प्रिंट कर सकता है मैक्सिमम कैरेक्टर, कितना प्रिंट करेगा ये? 0 to 127 तक। तो 128 तो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, राइट? 0 to 127 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है? उसमें कितने नॉन प्रिंटेबल होंगे? 33। जैसे कि स्पेस लिखा मैंने, नहीं लिखा स्पेस का 32 ना, स्पेस लिख लो सबसे पहले 32। जैसे स्पेस एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है 32, ठीक है? ये सब प्रिंटेबल लिखे हुए मैंने, बाकी नॉन प्रिंटेबल मैंने क्या रखा अभी? स्पेस। यहां तक जल्दी से बताएं, क्लियर सभी का? क्या प्रॉब्लम जा रहा है साउंड में? साउंड इश्यू अभी भी आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, मैं कुछ और चेक करता हूं, एक बार रुको जस्ट अ मिनट। साउंड फास्ट आ रहा है क्या? आ रहा है, फिल्टर
माइक हटा के बता दूं लोग कैसा आ रहा है, देखो अभी देखें अभी क्लियर है। अभी देखें अभी क्लियर है। चले अभी आई थिंक देखिए मैनेज करिए है ना, वरना मैं फिर इस पे काम करूंगा कुछ। ठीक है अभी क्लियर हो गया होगा सभी को यहां तक। ठीक है ये सारी बात समझ में आ गई, इसका स्लाइड ले लीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ASCII कैरेक्टर के बारे में जो पूछा जा सकता है वो मैंने लगभग मैं आपको सारी चीजें बता दी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखते हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, निमसेट में पूछा गया है क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करेंगे। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ASCII कैरेक्टर कैपिटल ए, आंसर बताएंगे सभी लोग क्या आएगा। 14, 41, 3A, 65। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें एक बार। फटाक से आंसर करें बच्चों लोग। आंसर आ गया, देखिए कुछ बच्चे 65 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 41 आंसर दे रहे हैं, यही यहां पे कंफ्यूजन था जो बच्चों को जनरली आता है। आप सभी लोग जानते हैं कैपिटल ए का मतलब 65, बट आपने ध्यान ये नहीं दिया कि सर कैपिटल ए है हमारा ASCII कैरेक्टर, यस और नो, ये कौन सा है हमारा ASCII कैरेक्टर, और इसका जो 65 वैल्यू होता है वो कौन सा होता है, डेसिमल होता है ना कि हेक्साडेसिमल, वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, डेसिमल होती ना कि हेक्साडेसिमल, तो 65 तो आंसर नहीं बोलना है क्योंकि डेसिमल पूछा गया होता तो 65 बोलते। मतलब ये हो गया कि आप इस 65/10 को कन्वर्ट कर दो बच्चों किसमें, हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 में, एग्री। तो कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों सभी लोग जानते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 4 जा 64, रिमाइंडर इज 1, बॉटम टू टॉप लिख देंगे, सो इट इज द 41/16, सो द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 41, तो 41 वाले सही है। ठीक है 41 वाले सही है, बाकी गलत है। समझ में आ गया सभी को, क्या बात है भाई जयप्रकाश, एमएनए पूरा एमएनए भी इलाहाबादी आ गया था यूट्यूब पे क्लास लेने। चले अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ये समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ASCII कैरेक्टर स्पेस, ASCII कैरेक्टर स्पेस का
ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 10000, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 40। बताएं क्या आंसर आएगा बच्चों, फटाफट आंसर करें। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा एंड सेमेस्टर का पढ़ना है, एंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही भाई, करियर तैयारी भाई अच्छे से। ना आवाज क्यों जा रहा, वाइब्रेट क्यों हो रहा है यार, क्या प्रॉब्लम हो गया? सुबह भी था क्या? सुबह ठीक था, सुबह ठीक था। फटाफट आंसर करें बच्चों, क्या आ रहा है बताएं। चलें देखें भाई कैसे करेंगे। आप सभी लोग जानते हो स्पेस को हम लोग डेसिमल में कितना बोलते हैं बच्चों? डेसिमल में कितना बोलते हैं? 32। डेसिमल में 32 बोलते हैं स्पेस को, राइट? ये आस्की करैक्टर है हमारा एक। अब मुझे इसको किस में चाहिए भाई? ऑक्टल में, सॉरी ऑक्टल में चाहिए ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, ऑक्टल कन्वर्जेशन चाहिए, ऑक्टल ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन चाहिए ऑक्टल में इसका, राइट? 8 का 32 को रिप्रेजेंटेशन करो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 8 4 32, रिमाइंडर 0, सो द राइट आंसर इज 40/8। सो रिप्रेजेंट क्या करेंगे? 40। ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर? कंप्यूटर टेस्ट 1 2 3 फिर से लाइव कर दीजिए। चलिए मैं कर दूंगा लाइव, ठीक है? बट ध्यान रखिए आगे से टेस्ट टाइम पे दिया करिए, सभी लोग टेस्ट टाइम पे दिया करिए, बट अभी लाइव कर दूंगा मैं, एक बार बोल रहा हूं तुम लोग तो। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है निमसेट 2013 में, निमसेट 2013 में एक प्रॉब्लम पूछा गया है, हाउ मैनी मिनिमम बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ASCII रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शंस दिए गए आपके पास 7 8 2 1, क्या आंसर आएगा भाई? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, सो द राइट आंसर इज 8। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन 2008 में भी पूछा गया था, निमसेट ने 2008 में भी यही क्वेश्चन पूछा, ठीक है? मतलब 8 का क्वेश्चन 13 में रिपीट किया, ठीक है? तो 8 में भी यही आंसर आएगा, तो क्या आंसर होगा जल्दी बोलो? 7। अभी तो मैंने बताया आप लोगों को, अभी तो मैंने बताया आप लोगों को क्या आंसर आएगा, 7 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रिजल्टेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर एडिंग 2 ASCII कैरेक्टर्स D and 9। बताएं भाई, करेक्ट, व्हाट इज द, फाइंड द रिजल्टेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर एडिंग 2 ASCII कैरेक्टर्स D and 9।
डी और नाइन को आपको ऐड करना है बच्चों, तो कौन सी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी? सुब्रत मंडल मैक्सिमम नहीं पूछते, मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है ना, मिनिमम मैक्सिमम कितना भी स्पेस पड़ रहा है। मान लो तुम एक फोटो, मान लो तुम्हें कोई मूवी है तुम्हारे पास, है ना, मान लो 2 GB की मूवी है, अब तुम्हें उसको स्टोर करने के लिए कम से कम कितना स्पेस चाहिए? 2 GB, बट मैक्सिमम कितना चाहिए? तो जितना स्पेस हो तुम्हारे पास बना रहेगा, क्या दिक्कत है? बोलो भाई, सही बात है क्या? नहीं तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम तो जितना हो उतना सही, बट कम से कम 7 तो होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। क्लियर हुआ? चले आंसर बताएं, देखो कैसे करेंगे। देखिए समझिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल वैल्यू हमें चाहिए ASCII कैरेक्टर डी और नाइन के लिए। तो मुझे डी का पहले आप ये बताएं, डी का डेसिमल वैल्यू क्या है? डी का डेसिमल वैल्यू क्या होता है जल्दी बोले? ए 65 होता है, बी 66, सी 67 और डी तो 68 बेस 10 में है। एग्री? और बच्चों अगला किसको ऐड करना है? मान लो नाइन को, तो नाइन को ऐड करने के लिए कितना हो जाएगा? बोलो कितना होता है नाइन? 57, 57 नहीं 48 तक जाता है, 48 से 57 सही है, 57 होता है राइट, ये भी बेस 10 में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, के ध्यान से देखा जाए, हेक्साडेसिमल चाहिए मुझे रिप्रेजेंटेशन, तो आप इसको बस ऐड कर दीजिए। तो पहले डेसिमल में ऐड करो, जरा बताओ कितना आ रहा है? 87 15 कैरी 1 65 11 1 125 किसमें आया? बेस 10 में। अब इसको कर दीजिए आप बेस 16 में, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 सबसे पहले 16 कितने बार जाएगा? 7 टाइम, कितना होता है? 112 बचेगा, तो कितना करेगा? 13 बचेगा। 13 को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं राइट, तो डी आ जाएगा यहां पे 70, तो 70 बेस 16 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, देखिए कितने बच्चों का सही था, चेक करें किन बच्चों का गलत है, कितने बच्चों का सही है। 70 इज द राइट आंसर, जिन बच्चों का 70 आया था वो सही था, ठीक है, 70 सही है बच्चों का। सर क्या आईटी सेक्टर में 40 साल की एज के बाद फायर कर देते हैं? ऐसा नहीं है कि फायर कर देते हैं। अब 40 साल की आपकी एज हो गई और आप चाहो कि हम फैमिली वाले बन जाएं, मतलब समझ रहे हो कि भाई अंकल टाइप के हम ऑफिस जाएं, तो वो उन्हें कोई मतलब नहीं, वो यंग माइंड लगा देंगे राइट,
बट ये सब सोचने की बात नहीं है, अभी 40 साल के बाद की सोच रहे हो यार तुम, ठीक है। तो ये सोचो कि सर ये क्वेश्चन होना चाहिए था आपका कि सर आईटी सेक्टर में 40 साल की जब एज में पहुंचेंगे तो कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में होगा, ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बताता। या तुम ये पूछते कि सर अगर मैं 40 साल के टाइम पे क्या आईटी फील्ड को क्विट करना सही है, ठीक है। तो क्या है भाई, आप ये अपने अंदर जज्बा रखिए कि 40 साल तक जॉब करेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे कि हम खुद नौकरी छोड़ देंगे। उसके निकालने से पहले वो कुछ बोले, उससे पहले को मैं छोड़ रहा हूं नौकरी, चलिए अंकल जी जा रहे हैं, ये रहा आपका आईडी कार्ड, चले, ठीक है। और 4-5-10 को लेके जाओ साथ में जो नए नए लड़के हो, क्यों कि हमने खुद स्टार्टअप किया अपना, आ जाओ, ठीक है। सेम पैकेज कर देंगे या फिर डबल कर देंगे, ऐसा बोल के निकलो उन लोगों को, समझ रहा हूं मेरी बात को। तो ये सब क्वेश्चन मत पूछो बेटा, परेशान मत हो, आईटी फील्ड में बहुत पैसा है, ठीक है। और ऐसा कहीं नहीं है कि 40 ईयर के बाद सबको निकाल देते हैं, ठीक है, कैसे चलेगा, रिस्पॉन्सिबल लोग भी तो चाहिए उसमें। अच्छा देखिए यार, अब नोट करके लिख लीजिए, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ASCII कोड, एक्चुअली कुछ एक्सटेंडेड ASCII कोड भी आए हैं, ठीक है। तो दो तरीके के आते हैं, इसलिए इनका नाम बदल के फिर ऐसा कर दिया गया, ASCII 7 और ASCII 8। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या है, बोलो भाई क्या मतलब है कि सर ASCII 7 तो जनरली हमने जो ASCII कोड पढ़ा वही है, बट जब एक्सटेंडेड ASCII वर्जन आया तो उसको ASCII 8 नाम दे दिया गया। तो पुराने वाले का नाम क्या हो गया, ASCII 7, क्योंकि ये 7 बिट यूज करता था और ये 8 भी यूज करता, राइट। गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, हाउ मैनी डिफरेंट करेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ASCII 8, 128, 256, 8, 16। काफी अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दे सकते हैं आप लोग, आंसर बताएं बच्चा लोग। हो गया, क्लियर हुआ बच्चों? तो इट विल बी 256, राइट, 256 विल बी द राइट आंसर, एग्री। ठीक है, हटा दो 256। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ये काम करेंगे। अब हेडिंग डालिएगा मॉड्यूल 2, ठीक है बच्चा लोग, मॉड्यूल 2 हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 का लगभग में सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल 2 में हम लोगों का जो रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, इनका बात करेंगे। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, टेन कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, इनका ऑपरेशन समझेंगे, और साथ ही साथ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट सभी लोग, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल 2, ठीक है। मॉड्यूल वन पे आपको एक दो असाइनमेंट और मिल जाएंगे, तो प्रॉपरली सॉल्व करिए, जो टेस्ट हो गए हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करिए, सफिशियंट है जितने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं,
कंसेप्ट कराइए, ये सफिशियंट है आपकी, ठीक है। अब मॉड्यूल टू की तरफ चलते हैं। ASCII कोड, जनरली ASCII कोड की जब भी कोई बात करेगा तो 7 बिट ही होती है, राइट। बट अगर कोई पूछे एक्सटेंडेड ASCII कोड या ASCII 8 के बारे में बात करे तो 8 बिट का भी ASCII कोड बनाया गया है। बट अगर केवल ASCII कोड की बात आएगी तो हमने आपको 7 बिट ही बताया, राइट। हमने अभी आपको समझाया हुआ है प्रॉपरली, क्लियर बात बेटा। पिंटू कुमार क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, मॉड्यूल टू पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल टू में सबसे पहले हम डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हम डालिए बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। देखो यार, किसी नंबर को ना दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। कितने तरीके से? दो तरीके से, ध्यान रखना बच्चों। किसी भी नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया, कह सकते हो कि दो तरीके के नंबर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक नंबर होता है अनसाइंड नंबर, कौन सा बच्चों? अनसाइंड नंबर। और दूसरा नंबर कौन सा होता है बच्चों? साइंड नंबर्स। दो तरीके के नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कंप्यूटर दो तरीके के नंबर रिप्रेजेंट करता है, एक अनसाइंड नंबर और एक साइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स मतलब जिनमें कोई साइन नहीं होता है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे बच्चों? लोग ये ऑलवेज पॉजिटिव, अनसाइंड नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे सिर्फ, ठीक है। और साइंड नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग मेथड्स हैं, अलग कह सकते हो कंसेप्ट्स हैं, अलग अप्रोच है कंप्यूटर के अंदर। बट अनसाइंड नंबर्स को स्टोर हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे साइन का कोई खेल ही नहीं है। किसी ने कहा 5 तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जितनी बिट की नीड पड़ी हमने स्टोर कर दिया, राइट। अच्छा, कितनी बिट की स्टोर नीड पड़ती है वो भी समझ लेते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो हम लोग जो अनसाइंड इंटीजर्स हैं, अलग से भी लिख सकते हो एंड डालो अनसाइंड इंटीजर्स, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ उसका क्या बोलते हैं नंबर्स, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर डालो बेटा हेडिंग, नंबर्स का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं पहले हम लोग, ठीक है। लिखो, इफ सिस्टम हैविंग एन बिट्स, अगर हमारा सिस्टम कितना बिट्स रख रहा है बच्चों? एन बिट्स, देन वी कैन स्टोर, हम लोग कितना स्टोर कर सकते हैं? अनसाइंड नंबर कहां से कहां तक बच्चा लोग? 0 to 2n-1। अगर हमारे पास n बिट्स हैं तो अनसाइंड हम लोग कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं उसमें? 0 to 2n-1, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल फॉर n इक्वल टू 4 बिट्स, मान लो हमारे पास 4 बिट्स हैं। तो अगर 4 बिट्स हैं बच्चों तो हम लोग कहां से कहां तक स्टोर कर सकते हैं, जल्दी बोले? 0 to 2n-1।
4 माइनस 1 यानी कि 0 टू 15, 16 कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे, बट कौन से होंगे 0 टू 15। 16 क्यों करेंगे तो सबको पता है क्या सर, एक बिट पे कितने होते हैं, दो, बोलो तो भाई पांच, चार बिट पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 16। अब वो 16 कौन से होंगे, 0 टू 15 होंगे। ये बात यहां तक क्लियर है सबको, इधर फटाफट अप्लाई करिए, यहां तक क्लियर है, कोई बात नहीं, लेट हो गया, आप इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बेटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, अगला क्वेश्चन लेके, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है, बताएं क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एन अनसाइंड नंबर 64, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएं, ठीक है, फटाफट आंसर करें सभी लोग, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अनसाइंड नंबर 64। बताया आंसर क्या आंसर आएगा बच्चा लोग, देखिए हमें चाहिए 64 को रिप्रेजेंट करना है, आपको पता है कि हमें कितनी बिट चाहिए, 7 बिट की नीड पड़ेगी, यस और नो, क्योंकि 7 में कहां तक होगा, 0 टू 2 की पावर कितना, 8 चाहिए ना, नहीं 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है क्या, 128 ना, देखिए अगर आप 6 बिट लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 तक जाएगा, मतलब 6 बिट में केवल 0 टू 63 होगा, एग्री, अगर 6 बिट लेते हैं तो कितना स्टोर करेगा ये, सिर्फ 0 से 63, तो यानी कि कंफर्म हो गया 64 के लिए मुझे एक बिट की और नीड पड़ेगी, दैट मींस 7 बिट, क्योंकि 7 बिट में 0 से 127 तक स्टोर होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बोले, 7 बिट में हमें स्टोर कितना होगा, 0 टू 127, क्लियर हुई ये बात, सबको समझ में आ गया, फटाफट आंसर करें, 6 क्यों नहीं होगा, क्लियर हुआ लॉजिक, 6 क्यों नहीं हुआ बच्चों, लॉजिक क्लियर हुआ, चले एक अगला क्वेश्चन करेंगे, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबका, नोट कर, नोट हो गया होगा ये सब, ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, लिखिए, इफ अ सिस्टम हैविंग 8 बिट, एक सिस्टम कितने बिट यूज कर रहा है, या यूजिंग 8 बिट या हैविंग 8 बिट, राइट, ऑन स्टोरिंग ऑन स्टोरिंग 250 राइट, ऑन स्टोरिंग अनसाइंड नंबर 250, इट विल गिव
ओवरफ्लो मॉर्निंग अंडरफ्लो वार्निंग नो वार्निंग एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करें इस क्वेश्चन का, बताएं बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक सिस्टम 8 बिट यूज कर रहा है, मतलब सिस्टम के पास 8 बिट पड़ी हुई है, ठीक है, और एक सिस्टम है उसमें कितनी बिट पड़ी हुई है बच्चा लोग? 8, 1, 2, 3, 4, 5 ज्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राइट। हाउ मेनी बिट्स? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मुझे स्टोर करना है 250 को, तो सिस्टम क्या मैसेज देगा? कोई वार्निंग नहीं देगा, अंडरफ्लो देगा, ओवरफ्लो देगा, या नन ऑफ दीज? आंसर बताएं। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन बोल रहे हैं। सी मतलब नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं देगा, और ओवरफ्लो अंडरफ्लो राइट। समझते हैं, इसको हटा दो। ये समझ आ गया होगा सभी को। अभी हम लोग अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में सीख रहे हैं, फिर हम लोग साइंड इंटीजर्स के बारे में भी सीखेंगे, अगला देखेंगे इसको, समझते हैं इसको। तो आप जानते हो 250 को स्टोर करने के लिए आपको उसको बाइनरी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बेस 10 में है राइट। ध्यान से देखा जाए तो बाइनरी में क्या होता है 250? बोले भाई कैसे निकालेंगे? एक तो आप लोग डिवाइड करके निकालते हो, याद है ना, 2 से करोगे तो 125 जीरो, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों? आप 62, और यहां पे 1, फिर 2 से करोगे 0। अगला बताओ बच्चों, फिर 2 से करोगे 15, 1 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे, अब 15 तो पता ही आप लोगों को कैसे लिखा जाता है ना, कितना हो जाएगा 71, फिर 2 से करोगे तो 31, और फिर 2 से करोगे तो 11 राइट। तो क्या हो जाएगा 111, देखो यहां से करेंगे अगर हम लोग, कितने बार 1, 2, 3, 4, 5 times 1 राइट, 010। तो आप मुझे पता है कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पूरी 8 बिट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं बताएं भाई? पूरी 8 बिट की रिक्वायरमेंट है। सो भाई ये पूरी 8 बिट यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? कितने बार बन था? 5 बार बन, फिर तो क्या वार्निंग देगा? नो वार्निंग। अगर कुछ बिट रह जाती स्टोर होने के लिए तो बोलता अंडरफ्लो, हमें जगह की कमी पड़ गई, और अगर कुछ बिट हमारी खाली छूट जाती तो उसमें जाके कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है, इसलिए सिस्टम आपको मैसेज देता है ओवरफ्लो। उल्टा हो गया। अगर कुछ क्या बोलते हैं, हमारे स्पेस कम पड़ता तो ओवरफ्लो, और कुछ स्पेस बच जाता तो अंडरफ्लो, बट यहां पे नहीं। एक तरीका तो ये है, ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। एक तरीका और था इस क्वेश्चन को पता करने का, वो था कि सर हम पता करते हैं कि 8 बिट में हम लोग कहां से कहां तक स्टोर कर सकते हैं। तो सर 0 से 2 की पावर 8 - 1 तक का स्टोर करेंगे, तो सर 0 से 255 तक का स्टोर करेंगे राइट, बोलो करेंगे। बट 255 अगर आप ध्यान से देखें तो 7 बिट में नहीं हो पाएगा, 8 बिट में ही होगा। 7 बिट में कहां तक होगा जल्दी बोलो? 0 से भाई ये 8 बिट में हुआ, 7 बिट में कितना होगा? तो 0 से 127 होगा राइट। तो 7 बिट में नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी की पूरी 8 बिट यूज कर लेगा सिस्टम आपका। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, लॉजिक क्लियर हुआ होगा बच्चा लोग। तो द राइट आंसर इज नो वार्निंग राइट। अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम यूजिंग 5 bits है ना, 5 bits फॉर स्टोरिंग एनी
अनसाइंड नंबर इफ 14 इज स्टोर्ड इन सिस्टम देन ऑप्शन ए सिस्टम गिव सिस्टम गिव नो वार्निंग अंडर फ्लो वार्निंग ओवरफ्लो वार्निंग एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज फटाक से आंसर करें. अब सिस्टम हमारा 5 बिट का है और 14 को स्टोर करना है तो आंसर क्या देगा. What will be the right answer? Underflow or overflow? तो राइट आंसर विल बी देखो भाई 5 मिनट आ गए हमारे पास कितनी आ गई 5 हो गई. अब अगर मैं बात करूं अगर 4 बिट होती हमारे पास कितनी होती 4 तो कहां तक स्टोर होगा 0 to 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 0 to 2. तो तुमको पता है सर 14 को तो हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट कर लेंगे राइट 14 को तो 4 बिट में ही लिख देंगे मतलब एक बिट हमारी क्या रह जाएगी खाली तो क्या आंसर देगा अंडरफ्लो वार्निंग राइट क्योंकि 14 को लिखते क्या है जल्दी बताओ सभी लोग आपको डायरेक्ट भी सिखाया हुआ मैंने निकालना बच्चा लोग 8 चाहिए 4 12 हो गया 4 8 4 2 ये तो होगा 14. सो कैसे स्टोर करेंगे इसको यहां वन अब यहां पे कुछ भी आ जाएगा भाई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी हो सकता दिल बन के आ जाए यहां पे हर्ट धड़कता हुआ दिल ठीक है वही वाला दिल जो तुम लोग यूट्यूब पे भेजते थे ठीक है अभी बंद हो गया क्या भेजना चलो ठीक है भाई समझ गए क्लियर हुआ लॉजिक आ गया दिल वही दिल वाला दिल ठीक है कुछ भी आ सकता है. तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को. आगे देखें एक क्वेश्चन और है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम अनसाइंड वैल्यू फॉर स्टोरिंग इन 10 बिट सिस्टम 1024 2048 1023 511 आंसर बताएं बच्चा लोग बहुत फास्ट आंसर करें.
आ गया सभी का? ठीक है बेटा, चलिए अभी बॉय सारी हो गई है ना। डाली हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड इंटीजर। देखिए अब साइंड इंटीजर्स को कैसे करेंगे, तो साइंड में तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, राइट। ये तो अपने आप में एक बढ़िया सी बात है कि भाई सर नेगेटिव पे को कैसे स्टोर करेंगे, -3 को अगर सिस्टम में स्टोर करना है तो सर कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो आ रहा है दिमाग में, तुम्हारी दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर लिखते टाइम तो हम 3 बनाते हैं और चिपका देते हैं माइनस, या सुनो लिखते टाइम 3 बनाते हो माइनस चिपका देते हैं, बट जब सिस्टम में यह स्टोर होगा तो कैसे स्टोर किया जाएगा। अभी वॉइस देखे क्लियर है, अभी वॉइस क्लियर है, एक बार चेक करें, या सुनो ठीक है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज के बारे में बता दे रहा हूं आप लोगों को, नो प्रॉब्लम, ठीक है टेस्ट सीरीज के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, आई थिंक कल से कंटिन्यू, तो इसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और सक्षम आप मैसेज कर दीजिएगा ऐप में, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जितने में आप चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया एक्मे अकेडमी को, तो ये इतने सारे तरीके हैं, इन तरीकों से आप एक्मे अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो आप एक हमारा सेल्फ स्टडी कोर्स ले सकते हो, ठीक है, जहां पर हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं एज वेल एज हम आपको वीडियोज भी दे रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, एक बहुत अच्छा टाइम देते हैं, आप उसमें पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट पे ही आपको टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स यानी कि सेल्फ स्टडी कोर्स आपको मिल जाएगा। आप एक्मे अकेडमी की मैथमेटिक्स बुक भी घर पे मंगा सकते हैं, राइट, ये भी आपको 600 की पड़ रही है, ये भी आपको 5500 का कोर्स पड़ रहा है, ठीक है। एक्मे की प्रीमियम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एक्मे की प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी आपको 3500 के आसपास पड़ रही है, ठीक है। अर्जुना टेस्ट सीरीज भी है, आप अर्जुना टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में हम आपको देखिए टेस्ट सीरीज से फायदा क्या होता है, जो बच्चे
प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब आपको एक्मे अकेडमी की टेस्ट सीरीज के फायदे बता देता हूं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि पर डे आपको एक क्यूओडी आएगा, क्विज ऑफ द डे, और एक नहीं आएगा, कभी कभी तो दो दो आएंगे, ठीक है। उस क्विज ऑफ द डे में क्या होता है, जो हमारे क्लास में रनिंग टॉपिक होते हैं उन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन का एक क्विज लेते हैं, प्लस उसका आपको एनालिसिस वीडियो भी आ जाता है। तो एक तो क्विज ऑफ द डे मिलता है, प्लस पर डे एक लाइव टेस्ट भी मिलता है आपको, टाइम टेबल आ जाता है एवरी मंडे कि इस वीक में कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो पर डे लाइव टेस्ट भी मिलता है, मतलब आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ स्टडी का प्लान बना सकते हो कि मुझे कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का एक और फायदा है बच्चों कि संडे को आप मॉक टेस्ट देते हैं सारे इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ, तो आपको पता चलता है कि आपकी पोजीशन कहां है, आप डे बाय डे इंक्रीज करें। मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी कराया जाता है प्रॉपर कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना चाहिए था। और अब प्रॉब्लम जो आती है सबसे बड़ी बच्चों को कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम आती है कि सर कौन से क्वेश्चन लगाएं, तो बच्चों हम लोग इस टेस्ट सीरीज में आपको दे रहे हैं करीब 450 से 500 टेस्ट जो आपके पास रहेंगे, मतलब आप जब चाहो उस टेस्ट को दे सकते हो, मतलब आपको इंतजार नहीं करना है कि कब टेस्ट लाइव होगा, आपके पास ऑलरेडी वो टेस्ट है, आप बस ओपन करेंगे उनको टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं आप उसे टेस्ट की तरह मत दो, आप उसे ओपन करिए, बंद कर दीजिए, उसके जो क्वेश्चन है उसको एज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप मान के चले हर चैप्टर की आप तैयारी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से, आपको सोचना ही नहीं है कि इसके अच्छे क्वेश्चन कहां मिलेंगे, आप बस जाओ उस टॉपिक के टेस्ट खोलो और सारे टेस्ट दे दो, अच्छे क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो गया, राइट। आप हमारा रायपुर सेंटर को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नियर बाई रायपुर भिलाई में है तो आप मतलब रायपुर सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लखनऊ के आसपास है तो आप हमारा लखनऊ का सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, लखनऊ में भी हमारा सेंटर है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन आके भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आके पढ़ने में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आप प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सारी चीजें बाकायदा मिल जाएगी। आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स में कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, दो दो तीन तीन सेट के वीडियोस दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज दी गई है, इसमें सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे बुक पहुंचाई जाएगी, सब चीज दी गई है इसमें भी, राइट। प्लस जब क्रैश कोर्स चल रहा होगा, रिवीजन कोर्स चल रहा होगा, तो उसमें लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं अटेंड करने के लिए। एंड द मोस्ट फेवरेट, जो सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट है बच्चों का, वो है एक्मे का लाइव कोर्स, मतलब आप घर पे रह के एक्मे अकेडमी के ऑफलाइन क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं, घर पे रह के ऑफलाइन, यस, घर पे रह के आप हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारे वीडियोज रिकॉर्डेड मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी। अभी नया बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, अर्जुना बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अर्जुना बैच बहुत ही कम कॉस्ट में आपको के लिए लॉन्च किया गया है, और आप उसको ज्वाइन करके अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम कोर्सेस में, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पे, ठीक है। इफ यू आर ड्रीमिंग देन ड्रीम बिग, राइट। अब सपना देख ही लिया है कि एमसीए करना है, तो किसी अच्छे कॉलेज से ही करेंगे, तिरची से ही करेंगे, ठीक है। और अभी तिरची का तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। एक्मे अकेडमी के ही एक बच्चे ने टॉप पैकेज लिया है, टॉप मतलब समझ लो दो तीन साल से उतने लैक्स का पैकेज नहीं लगा है, इस बार एक्मे अकेडमी के एक बच्चे ने वो पैकेज निकाला है, ठीक है। तो आप समझिए कि तिरची में कितने बड़े पैकेज मिलते होंगे, क्लियर है बात, तो समझ लीजिए। ये अगर आपको ड्रीम ही देखना है तो बड़ा ड्रीम देखें, ड्रीम बिग, ठीक है। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, acmeacademya.courses.store, आप इस पे जाके सारे कोर्सेज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा कल होने वाला है, साथ ही साथ हम लोग मंडे को सुबह जो कल मॉक टेस्ट होगा उसका एनालिसिस भी करेंगे, मॉर्निंग में क्लास होगी सुबह 7 बजे मंडे को एनालिसिस की क्लास, तो टेस्ट कल ही खत्म कर दे, कोई भी बच्चा टेस्ट को टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोलेगा, याद रखें कल फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, बिल्कुल प्रॉपरली 11 बजे बैठ जाए, कॉपी पेन लेके और टेस्ट दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं मंडे को, और इवन कल ही मिलते हैं हम लोग रात में 10 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सभी लोग लाइक करके जाइए, ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करके जाएंगे, ऑल राइट। चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मैं सारे टेस्ट लाइव करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, कंप्यूटर के जो 3 टेस्ट थे वो लाइव करवा दूंगा, ठीक है बेटा, डोंट वरी। तिरची कितने नंबर में मिलेगा माधवी, सबसे ज्यादा नंबर होने चाहिए आपके इंडिया में, ठीक है।
टॉप 50 में आपके नंबर होने चाहिए, तिरछी मिल जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, मेहनत करिए।